आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। सीबीआई ईडी चीफ के कार्यकाल को बढ़ाने वाला बिल आज संसद में पेश करेगी केंद्र सरकार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,784 नए केस किए गए दर्ज। अखिलेश यादव का आज जौनपुर दौरा, दो दिवसीय दौरे पर रहने वाले अखिलेश यादव। यूपी टेट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी किया गया है गिरफ्तार। कानपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में दो युवक जिंदा जले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सिद्धार्थनगर में कांग्रेसियों ने गौशाला पर भाजपा सद्बुद्धि यज्ञ किया, यात्रा निकाली गई और जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। बांसी ब्लॉक के वृहद गौवंश आश्रय स्थल खजुरिया के गेट पर जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद, वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चौधरी सहित ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सद्बुद्धि यज्ञ किया। तो सिद्धार्थ नगर में आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। अनोखा प्रदर्शन गौशाला को लेकर किया गया था। आपको बता दें कि गौशाला पर भाजपा सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया गया है। वहीं इसी क्रम में यात्रा भी निकाली गई और जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि बांसी ब्लॉक के वृहद गौवंश आश्रय स्थल खजुरिया के गेट पर जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद, वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चौधरी सहित ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं ने भाजपा सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया। वहीं सहारनपुर में गुड़गांव के अंदर खुले में नमाज को लेकर चल रहे विवाद को लेकर देवबंदी उलेमा का कहना है कि गुड़गांव के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं और साथ ही बड़ी तादाद में मुसलमान उधर नौकरी भी करते हैं, जबकि वहां मस्जिदों की तादाद बहुत कम है। इसके आगे उन्होंने यह भी बताया कि नमाज और दुआ लगभग एक से आधे घंटे के बीच में खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज से भी तकलीफ होती है। इस सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि गुड़गांव के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं और बड़ी तादाद में नौकरी पेशा लोग मुसलमान वहां पर नौकरी करते हैं, मस्जिदों की तादाद कम है, वहां हुकूमत की जानिब से नई मस्जिद बनाने की कोई इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान खुली जगहों पर जुमे की नमाज अदा करते हैं। हालांकि जुमे की नमाज का जो वक्त होता है, खुतबा और नमाज और दुआ तकरीबन एक से आधा घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ फिरका परस्त लोगों को इस चीज से तकलीफ होती है और वो मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमारा जो भाईचारा है उसको हिंदू और मुसलमानों के अंदर बदलना चाहते हैं, भाईचारे के अंदर दरार डालना चाहते हैं और मुल्क को जो है नफरत की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि जो है हुकूमत का जो नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो जितनी हुकूमत हमारे दूसरे भाइयों की है इतनी ही मुसलमानों की है, जितना मुल्क जो है दूसरे भाइयों का है हमारे मजहबी भाइयों का इतना ही मुल्क ये हमारे मुसलमानों का। वहीं अलीगढ़ थाना अकराबाद के चांदपुर मिर्जा में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गए नाबालिग को दबंगों ने जमकर पीटा, जिसको बचाने आई मां को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और महिला को भी जमकर पीटा गया है, जिसमें नाबालिग की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस मामले पर पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो लोग हिंदू धर्म अपना लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हादसा हुआ है। मस्जिद पर दबंगों का राज चलता है, जिसकी वजह से कई लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं।
ये पूरा मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक नाबालिग का मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि वहां मौजूद दबंगों ने एक नाबालिग बच्चे को जमकर पीटा है। वहीं जब नाबालिग को बचाने के लिए उसकी मां पहुंचती है तो दबंगों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा और नाबालिग और उसकी मां को जमकर पीटा गया है। वहीं इस पूरे मामले में नाबालिग की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे अलीगढ़ संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितेश, जिस तरह से दबंगों के हौसले अलीगढ़ में बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मस्जिद में गए एक नाबालिग को जमकर पीटा गया है, क्या कुछ जानकारी है? ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ के थाना अग्रवा क्षेत्र गाँव चांदपुर का है। बताया जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने गया नाबालिग को दबंगों ने जमकर पीटा है और उसको बचाने आई उसकी माँ को भी गिरा गिरा कर मारा है। दबंगों के हौसले बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। देश इस पूरे मामले पर अब पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? पुलिस की कार्रवाई अगर बात करी जाए, पुलिस के द्वारा बताई गई कार्रवाई, तो बताया जा रहा है कि उन्होंने कार्रवाई की है, NCR लिखी है। और अगर पीड़ित की बात करी जाए तो पीड़ित बोल रहे हैं यहाँ पे पुलिस एक बार भी नहीं आई है और हमसे कोई भी हमारे लिए संज्ञान नहीं लिया है हमारे मामले का जी। नितेश, इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार का क्या कुछ बयान जारी किया गया है, क्या कुछ वजह रही जिस वजह से दबंगों ने परिवार के साथ इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया? ये पूरा मामला जातिवाद के नाम पर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देने का है। और ये भी बताया गया है पीड़ित द्वारा कि अगर हमें हमारे साथ न्याय नहीं मिला, हमें न्याय नहीं मिला तो हम हिंदू धर्म अपना लेंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मितेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ से आपको पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग और उसकी मां को मस्जिद में नमाज पढ़ना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि मस्जिद में नमाज पढ़ने गए नाबालिग के साथ कुछ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। वहीं बच्चे को बचाने पहुंची माँ के साथ भी दबंगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने पर दाउल उलेम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि दाउल अलूम देवबंद ने इसका विरोध किया है और सऊदी सरकार से मांग की है कि वो इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि तबलीगी जमात हमेशा से शांति और इस्लाम का पैगाम देती आई है। तबलीगी जमात का हर बंदा अमन शांति के साथ ही काम करता है। देखिए, सऊदी हुकूमत की जानिब से तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की जाने की बात हो रही है, वो उसको गुमराहकुन करार देना चाहती है। दारुल देवबंद ने इसकी मजम्मत की है, इसको कंडम किया है और हुकूमत सऊदी से मुतालबा किया है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे, रिवीजन करे। वही लखीमपुर खीरी के गोला गोकरण थानाथ में स्थानीय बजाज चीनी मिल गेट पर बीते 11 दिनों से गन्ना मूल्य बकाया को लेकर किसान मोर्चा के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन, मिल प्रबंधन और किसान संगठनों के बीच बातचीत के बाद इसे समाप्त करा दिया गया। इस दौरान स्थानीय किसान नेता और किसान मजदूर संगठन VM सिंह ग्रुप के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य विकास अधिकारी ने किसान नेताओं और मिल प्रबंधन अधिकारियों से बातचीत करके किसानों की गन्ना भुगतान की शर्तों को मान लिया है और यहाँ जो है गन्ना काफी दिनों से उधार लिया जा रहा है और पैसा जो है देने का नाम इन्होंने नहीं लिया, इसलिए हम सब लोग जो है किसान बैठ करके और आंदोलन किया है और अब जा करके इन्होंने कुछ बात मानी है, उस पर जो है चर्चा चल रही है। और हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों के पास, कि अगर हम कांटे लगाते हैं तो मना किया जाता है, पुलिस प्रशासन मना करती है, तो जानवर बहुत अधिक हो गए हैं, हमारी फसलें सारी नष्ट हो रही हैं, तो एक बार इस पर सरकार विचार करे। दूसरी बात, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने रजीपुर से महाराजा जयचंद किला तक जाने वाले रास्ते का नाम बदलने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनकी मांग है कि महाराजा जयबंद के किले के जाने के वाले रास्ते का नाम बदलकर महाराजा जयचंद मार्ग किया जाए। जिलाध्यक्ष मंथन ठाकुर ने बताया कि महाराजा जयचंद महाराज विजय चंद के पुत्र थे और कन्नौज के राजा थे, ऐसे राष्ट्रभक्त का सम्मान करने के लिए मार्ग का नाम बदलकर महाराजा जयचंद मार्ग किया जाना चाहिए।
जिलाधिकारी जी को, जिलाधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि ये जो फरकाबाद जिले में उदरनपुर से कन्नौज जो मार्ग गया है, हाँ, तो उसको जो संयुक्ता मार्ग है उसका नाम बदल के महाराजा जयचंद मार्ग रखा जाए, क्योंकि महाराजा जयचंद हमारे क्षत्रिय समाज के बहुत ही महान शासक रहे और उनने क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बाहर से लोग आए थे जिनने आक्रमण किया और भी बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो कि सराहनीय हैं, और हमारे क्षत्रिय समाज की अभी से नहीं कम से कम 5-10 वर्षों से ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन ज्ञापन किसी कारणवश नहीं दे पाए। आज हमने जिलाधिकारी जी को माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। ललितपुर से पूरा मामला सामने आया है जहां पर महाराजा जयचंद मार्ग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि करणी सेना ने ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है जहां पर मांग की गई है कि रचीपुर से महाराजा जयचंद किले तक जाने वाले रास्ते का नाम बदलना चाहिए। आपको बता दें कि मांग की गई है कि महाराजा जयचंद के किले का नाम बदलकर अब महाराजा जयचंद मार्ग जो है उसका नाम उन्हीं के नाम पर कर देना चाहिए। जिलाध्यक्ष मंथन ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि महाराजा जयचंद महाराज विजय चंद के पुत्र थे और कन्नौज के राजा थे, ऐसे में अब राष्ट्रभक्त का सम्मान करने के लिए ये मांग की गई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ललितपुर संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धीरज, जिस तरह से करणी सेना ने ज्ञापन सौंपा है जहां महाराजा जयचंद मार्ग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? शायद संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से इस वक्त हम आपको ललितपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर करणी सेना ने ये ज्ञापन सौंपा है जहां महाराजा जयचंद महाराज का जो मार्ग है, जो उनका किला है, वहां का जो मार्ग है उसका नाम बदलने की मांग की गई है करणी सेना के द्वारा, जिसको लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। फर्रुखाबाद के कमालगंज के ग्राम नारायणपुर गड़िया के मजरा मोहन नगला में समुदाय विशेष के दबंगों ने बारात वाले घर पर समुदाय विशेष के दबंगों ने पूजा का सामान और मंडप को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद परिजन डर के माहौल के बीच शादी की तैयारियां कर रहे हैं। पीड़ित परिवार लगातार सितंबर से पूरे मामले की तहरीर दे रहा है, लेकिन पुलिस किसी भी घटना का इंतजार कर रही है। तो फर्रुखाबाद के कमालगंज से पूरा मामला सामने आया है जहां पर दबंगों का जो भय है वो अब पूरी तरह से जो परिवार पर दिखाई दे रहा है। पुलिस का कोई भी भय अब दबंगों के अंदर नहीं दिख रहा है। जिस तरह से कमालगंज के ग्राम नारायणपुर मड़िया के मजरा मोहन नगला से मामला सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि दबंग जो हैं अब वो कमालगंज में बेखौफ हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि समुदाय विशेष जो है उनके घर पर शादी है, बावजूद इसके कुछ दबंगों ने उनसे शादी ना करने की बात कही। वहीं अब वो पूजा का सामान और मंडप को तहस नहस कर चले गए हैं। वहीं अब पीड़ित परिवार डर के साए में जी रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फर्रुखाबाद संवाददाता सुंदरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुंदरम, फर्रुखाबाद के कमालगंज से पूरा मामला सामने आया जहां पर समुदाय विशेष के दबंगों का आतंक एक परिवार पर टूटा है, क्या कुछ जानकारी है? थाना कमालगंज क्षेत्र का जो मामला है इसमें पीड़ित परिवार भाई के साए में लगातार जी रहा है और इसमें प्रेम प्रसंग का कुछ मामला था, तो उसमें जब शादी जब होने वाली थी तो एक दिन पूर्व भी वहां पर दबंगों द्वारा रात्रि में घुसकर हमला किया जाता है और तालिबानी अंदाज में वो बिल्कुल तोड़फोड़ मचा देते हैं, मंडप तहस नहस कर देते हैं और वहां पे आग लगा भी दी गई थी। पीड़ित द्वारा बताया गया है कि उसने कुछ महीने पूर्व यहाँ पे फिर से तहरीर भी दी थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो घटना हुई है इसमें पुलिस का ढुलमुल रवैया सामने आया है और पुलिस की लापरवाही के कारण ही यहाँ पे घटना हुई है और समुदाय विशेष के दबंगों का वहाँ पर आतंक जारी है। अब आज रात जो कल रात में वहाँ शादी हुई महिला की, तो उसमें भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा भी प्रदान की गई, लेकिन अगर पुलिस पहले से ही तत्परता दिखाती और उसमें कड़ी कार्रवाई कर देती जो प्रथम तहरीर प्राप्त हुई थी तो ऐसी घटना नहीं हो पाती। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फर्रुखाबाद से खबर सामने आई थी जहां पर दबंगों के आगे नतमस्त होती इस वक्त पुलिस जो है वो दिखाई दे रही है, जहां पर शादी के मंडप को दबंगों ने तहस नहस कर दिया।
वहीं बांदा में अपनी तमाम मांगों को लेकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति को खून से पत्र लिखा है। आपको बता दें कि महाविद्यालय में प्रवेश के साथ हॉस्टल इत्यादि की समस्याओं को लेकर चार दिन से छात्र जो हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे छात्रों की सुध लेने के लिए अभी तक कोई भी वहां नहीं पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि इससे नाराज होकर छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बता दें कि छात्र अशोक लाठ पर प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं, जिसके बाद अब उन्होंने कुलपति को खून से पत्र लिखा है। नमस्कार साथियों, आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति को अपने रक्त से सभी छात्र नेता पत्र लिखने का काम कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, छात्रों की सीटें बढ़ाई जाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में, छात्रों के लिए जो छात्रावास बना है उसमें जल्द से जल्द प्रवेश लें छात्रों का, जिससे गरीब मजदूर का छात्र जो आता है हमारे क्षेत्र में वो कहीं पर किराए का रूम लेकर के ना रहना पड़े। हमारी तीसरी मांग है कि सीट भी जो हमारी एडमिशन की डेट है डेट बढ़ाई जाए, और जो रिक्त सीटें बची हुई हैं महाविद्यालय में उनमें भी जो है प्रवेश लिया जाए छात्रों का, वो किसी भी वर्ग से आता हो। और हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि जो महाविद्यालय में घोटाला चल रहा है, इस घोटाले की बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता जो कर रहे हैं ये लोग आम छात्रों के साथ, गरीब छात्रों के साथ, उस पर ध्यान दें और एक जांच ऐसी बैठाएं अच्छी टीम के साथ, जिससे इनके ऊपर एक अच्छी कार्रवाई हो पाए, जिनसे इनको हमारे क्षेत्र के लोगों को न्याय मिल सके, उन आम छात्रों, गरीब छात्रों को, मजदूर छात्रों, किसान छात्रों को न्याय मिल सके। इसलिए आज हम लोग खून से वो पत्र लिखने का। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे बाधा संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रिजवान, छात्र नेताओं का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां पर अब छात्रों ने कुलपति को खून से पत्र लिखा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? ये अनुष्का जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है खून से जो पत्र लिखा हुआ है, ये छात्रों ने लिखा है। आज जो है इनकी मांगे हैं। हेलो रिजवान, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, आवाज फंस रही है। तो रिजवान, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों की क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर हैं? शायद रिजवान से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। तो आपको बड़ी खबर बांदा से हम बता रहे हैं, जहां पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर अब कुलपति को खून से पत्र लिखकर अपनी मांगों को लेकर यह पत्र लिखा गया है, जहां पर अब छात्रों ने प्रदर्शन किया है। वहीं अलीगढ़ में उड़ान सोसाइटी अपना 18वां स्थापना दिवस सेवा ही संकल्प के ध्येय के साथ मनाया रहा है। आपको बता दें कि इस अवसर पर संस्था की ओर से गत दिवस छर्रा में तेंदुए का सामना करते हुए घायल हुए लकी और ऋषभ राज सिंह को बालवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज में नशे के बढ़ते चलन की रोकथाम के लिए नशा मुक्ति जागरूकता और उपचार अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। ग्रस्त कोई व्यक्ति है तो वो खुद को अकेला ना समझे, वो उड़ान सोसाइटी के सारे पदाधिकारियों को और जेएमकेडी बंसल हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों और स्टाफ को अपना भाई समझे, अपना साथी समझे, अपना चाचा समझे, अपना दोस्त समझे, कि वो अपनी बात को शेयर करे कि आखिर वो नशा कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है, और नशे को छोड़ने में उसको क्या तकलीफ आ रही है, क्या दिक्कत है। वो एक बार अपना अंतर मंथन करे कि वो नशे को क्यों नहीं छोड़ पा रहा है, वो हमसे आके चर्चा करे, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे और नशे को छोड़ने की जो भी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं और जो भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे और नशे को छोड़ने में हम उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे, और जब तक कि वो नशा से मुक्त नहीं हो जाता उसके साथ लगातार खड़े रहेंगे। उड़ान सोसाइटी अलीगढ़ का 18वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उड़ान सोसाइटी द्वारा एक डी एडिक्शन अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट कैंपेन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत समाज में व्याप्त नशे की लत से पीड़ित बच्चों और किशोरों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनका। वहीं सांवल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक गैंग के 25,000 के इनामी के साथ में दो बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश बैंक से कैश लेकर जा रहे थे। ग्रामीण और महिलाओं से 2 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात लूटने की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से 1.5 लाख कैश भी बरामद किया है।
गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों के खिलाफ यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों में आपराधिक मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। अपने इसमें SBI बैंक में 2 लाख रुपए लेने के लिए गया, इनके द्वारा अभियुक्त के द्वारा रिकी करने के बाद अब वादी से 2 लाख रुपए लूटे गए। उसके उपरांत SP द्वारा तीन टीम गठित की गई। गठित करने के उपरांत टीम के द्वारा CCTV में द्वारा और मुखबर के द्वारा बदमाशों का आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद SP द्वारा 25,000 के तीनों अभियुक्त पर मुकदमा इनाम पंजीकृत कराया गया। आज 13/12/2021 को मडन तिराई पर रतुपुर तिराई के पास ये घटना के अंजाम देने के लिए आए हुए थे। मुखबर द्वारा सूचना मिली, पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत इनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उसके जो रुपए बरामद 1,59,000 रुपये बरामद किए गए। संभल से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दोनों ही बदमाशों के ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए कैश को भी बरामद किया है। वहीं मैनपुरी में 2 साल से फरार चल रहे इनामी अंतरजनपदीय ठग को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि ये ठग मैनपुरी समेत कई जनपदों में ठगी करता था, जबकि आरोपी ठग के परिजन भी उसके साथ मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल अभियुक्त के पास से एक तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। ये 7-8 ठग है जो कि यहाँ पर एक महिला नीलम दुबे एक सारे गहने ये धोखाधड़ी करके हड़प लिया। इसके अतिरिक्त ये आगरा में इसने जो है इसी तरह धोखाधड़ी कार्रवाई की थी। फतेहगढ़ में भी इसके विरुद्ध, मथुरा में, कई जनपदों में ये इसने जो है लोगों को ठगने का काम किया था। पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था, इसका पूरा परिवार शामिल था ठगी के व्यवसाय में और ये 20,000 रुपये का इस परिवार भी घोषित था और ये रहने वाला बेसिकली राजेश यादव, ये एलाउड क्षेत्र का है। वहीं रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली नारायणपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास सफेदा के बाग में सलेथू हसनपुर मार्ग पर बोरे में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलने पर आनंद फानन में कोतवाल नारायण कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त शुरू की। तो रायबरेली के महाराजगंज से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला का अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह पूरी वारदात नारायणपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास सलेथू हसनपुर मार्ग का बताया जा रहा है, जहां पर एक बोरे के अंदर से महिला का अज्ञात शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पूरे मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला की शिनाख्त भी जारी है। तो रायबरेली से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे रायबरेली संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, जिस तरह से अज्ञात महिला का शव महाराजगंज कोतवाली के पास से बरामद किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही है? देखिए, रायबरेली जनपद जो है वो अज्ञात लाशों का ठिकाना बनता जा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी 5 से 6 लाशें महिलाओं की ही बोरे में बंद अज्ञात मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत शिनाख्त नहीं पुलिस करवा पाई है। इसी मामले में ये महाराजगंज रोड पर जो है एक बोरी में बंद महिला का एक लाश मिली है, जो कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी थी, क्योंकि 100 से जब बदबू आने लगी तब ग्रामीणों ने नजदीक जाकर जब देखा तब पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची है, तब जाके अब उसके शिनाख्त करवाने के प्रयास जारी है। जी, तो ओम शंकर, जिस तरह से पूरा मामला आपने बताया है, आप बता रहे कि इससे पहले भी कई महिलाओं के इस तरह से शव बरामद हो चुके हैं, ऐसे में जो अब महिला का शव बरामद किया गया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शिनाख्त का किस तरीके से पुलिस इस वक्त तैयारी कर रही है, क्या कुछ उनका पूरा कार्य रहेगा? और जिस तरह से महिला का शव बरामद हुआ है, ऐसे में क्या किसी कोतवाली क्षेत्र में कोई महिला के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई?
हाँ, रायबरेली जिले में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच हो रही, साथ ही जैसे जनपदों के थानों को भी सूचित किया गया है कि इस तरह की इस उम्र की अगर जो किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो तो उसके फोटोग्राफ उस थाने भिजवा दिए गए हैं। और पुलिस हालांकि जो है शिकायत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पूरे जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद ओमशंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायबरेली से इस वक्त हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर महाराजगंज कोतवाली के पास से महिला का अज्ञात शव एक बंद बोरी के अंदर से बरामद किया गया है। वहीं विश्व रेसलिंग चैंपियन द ग्रेट खाली उर्फ दिलीप सिंह राणा सहारनपुर पहुंचे, जहां पर सहारनपुर की जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया। ये रोड शो घंटाघर से लेकर नवाबगंज चौक तक निकाला गया, जहां खुली जीप में द ग्रेट खाली सवार हुए और इस रोड शो को नेहरू मार्केट से होते हुए नवाबगंज तक ले जाया गया। तो ये आपको पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सहारनपुर से मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन द ग्रेट खाली उर्फ दिलीप सिंह राणा जो थे वो सहारनपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर सहारनपुर की जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ द ग्रेट खाली का स्वागत किया है। बता दें कि खाली का रोड शो निकाला गया था, जहां पर घंटाघर से लेकर नवाब चौक तक ये रोड शो निकला, जहां पर खुली जीप में द ग्रेट खाली सवार हुए थे और रोड शो को नेहरू मार्केट से नवाबगंज तक जगह जगह पर जनता के द्वारा वहां पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं महोबा में मामूली विवाद के चलते 11वीं में पढ़ने वाले छात्र की कुल्हाड़ी से काटकर एक दबंग पड़ोसी ने हत्या कर दी। इस हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि हत्यारोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है और अब आरोपी की तलाश शुरू हुई है। 17 साल के युवक को जिसका नाम महेश है लाया गया है और अस्पताल आने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कैसे मौत हुई सर? बताया जा रहा है कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसमें चोटें आई हैं, जिससे उसकी मृत्यु हुई। यहाँ कल रात को दो लोगों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिसमें बाद में हॉस्पिटल आने के पश्चात उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में पंचायतनामा और PM की कार्रवाई कराई जा रही है और परिवारजनों के द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर प्राप्त होते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूरी खबर सामने आई है, इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे महोबा संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिलीप, जिस तरह से मामूली विवाद के चलते 11वीं में पढ़ने वाले छात्र की हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पे मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला अजनर थाना क्षेत्र के महुआ बांध गाँव का है, जहाँ 17 वर्षीय एक 11वीं का जो छात्र था उसका अपने पड़ोसी कमलेश की किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के विवाद को वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर समाप्त करा दिया था, लेकिन कुछ देर बाद जो आरोपी है वो घर से अपने कुल्हाड़ी लेकर आया और आकर उसने किशोर के ऊपर कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर और उसके अन्य शरीर के हिस्सों पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया, जिससे लहूलुहान होकर वो किशोर गिर गया और आनंद फानंद में उनके परिजन उसे CHC जयपुर लेकर आए, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए डॉक्टर ने रेफर कर दिया। जिला अस्पताल आते समय रास्ते में ही किशोर की मौत हो गई और जैसे ही परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया और किशोर की 17 वर्षीय किशोर की मौत से उनके परिजनों में कोहराम मच गया है। हालांकि पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और पुलिस पूरी कार्रवाई में जुट गई है। जी जी दिलीप, जिस तरह से इस पूरे मामले में आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई अब देखने को मिल रही है, आरोपी की तलाश किस प्रकार से जारी है? जी बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं और पुलिस की टीम जगह जगह दबिश देकर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक जानकारी आई है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महोबा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर मामूली विवाद में खूनी खेल देखने को मिला है, जहां पर एक छात्र को कुल्हाड़ी से काट दिया गया है, जहां पर छात्र की दर्दनाक इस पूरे मामले में मौत की खबर सामने आई है।
वहीं रायबरेली शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोयली मजरे चित्र नवनिया में एक पूरा मामला सामने आया है, जहां पर विवाहिता ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रायबरेली शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोयली मजरे चितवनिया का बताया जा रहा है, जहां पर एक पूरी जो महिला है उसने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और इस पूरे मामले में परिजनों की भी घोर लापरवाही सामने आई है, जहां पर परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। विवाह की मौत से उसके मासूम बच्चों का भी इस वक्त रो रो कर बुरा हाल देखने को मिल रहा है, जबकि विवाहिता का पति एक भट्टे में रहकर मजदूरी करता है, जो घटना के समय भट्टे पर ही मजदूरी कर रहा था। मैंने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी पत्नी से अच्छी तरह से बात हुई, लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने इस प्रकार का कदम उठा लिया। घर पर कोई नहीं रहा, छोटके बउवा चले गए स्कूल, एक जन बगड़ी लेके चले गए रहा, और मुन्नी एक जन बहने रहे खिलाओ चले गए, हम घास आने चले गए ना, घर पर कोई नहीं रहा। क्या हुआ फिर? मम्मी फांसी भीतर लगा ले रहा। कितने समय की बात है ये? 8 बजे की। आज सुबह 8 बजे की? तो कैसे जानकारी मिली आपको फांसी मुन्नी लगा ली? भीतर देखी जाएगा। हाँ, भीतर देखे जाते हम दरवाजा नहीं खुला तरह है, तो हम गए जंजीर टूटे ना। हाँ, तो फिर निकालने देखे उम्मा लगा रहे रस्ते में फांसी। हमको पता भी हमारा बंद करे खोलते नहीं ना, अब कहीं भाई नहीं खोलते, गुस्सा नहीं हुई है तो कुछ दिया बना लियो, जब बना लिया फिर मिला फोन तो कहीं नहीं खोलते, हम कहीं जंजीर टूट डालो। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।